हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि मैं आज जॉब के रिलेटेड बात करूंगा। नॉट ओनली फ्यूल स्टेशन, मतलब जॉब सेंटर की बात करूंगा, फ्यूल स्टेशन का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरे को फ्यूल स्टेशन पे कैसे जॉब मिली। और मैं यहाँ पे आठ महीने से हूँ, सेप्टेम्बर में आया था, 7-8 महीने से हूँ। जब से आया हूँ मैं फ्यूल स्टेशन ही कर रहा हूँ। मैं यूनाइटेड पर जॉब करता हूँ, और एक पहले मतलब यूनाइटेड पर करता था, और अब मैं बीपी पे करता हूँ। बीपी का ब्रिटिश पेट्रोलियम है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनको पता होगा बीपी का। काफ़ी अच्छे पे रेट होते हैं उनके, और मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे को कैसे जॉब मिली। दूसरी बात कि मैं आपको रिज्यूमे बना के दिखाऊंगा और साइट्स बताऊँगा कि कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं। तो आई थिंक मुझे पहले अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मेरा पे रेट कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, मेरे को 1-1.5 महीने पहले बीपी पे जॉब मिली है। मैंने काफ़ी अप्लाई किया था, मतलब काफ़ी फ्यूल स्टेशन पे अप्लाई किया था ऑनलाइन। आपको दिखाऊंगा अभी मैं कैसे अप्लाई करना, और मेरी एप्लीकेशन भी पड़ी होंगी, कितनी सारी पड़ी होंगी, 20-25 एप्लीकेशन एटलीस्ट मैंने की थी, और तब जाके मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आया था, बाकी तो रिफ्यूज़ ही हुई थी सीधा ही। तो मेरे को मैंने ऑनलाइन अपना रिज्यूमे बनाया, मेरा एक्सपीरियंस था फ्यूल स्टेशन का, शायद मेरे को इसीलिए भी मिल सकती है। बट जो मैं आज का सिनेरियो देख रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड था, वो अभी जुलाई इनटेक में ही मतलब आया, उसकी क्लासेस भी नहीं अभी स्टार्ट हुई, और उसने अपना रिज्यूमे बनाया जैसे मैंने उसको बताया था, और उसको फ्यूल स्टेशन पर जॉब मिल गई है। ये बात नहीं होती कि आपका फ्यूल स्टेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस ये है कि वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए। अगर उसको उनको बंदा चाहिए डेस्परेटली, उनकी शिफ्ट्स कोई नहीं भर पा रहा, तो वो आपको बिना एक्सपीरियंस के भी रख लेंगे। आप अप्लाई करी जाओ, आप ये मत समझो कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आपको एक्सपीरियंस भी मैं डालना सिखाऊंगा, कैसे करना है, फेक डालना है, रियल डालना है, क्या डालना, वो तो मैं आपको बताऊंगा क्या है स्कीम। बट जो मेन बात है वो है कि आप अप्लाई करते रहो। आप ये मत समझो कि एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पे वैकेंसी की बात होती है, आजकल थोड़ी जॉब्स कम हो गई हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आता था काफ़ी जॉब्स थी भाई, जौन सी जॉब पे आता रहा वो जॉब मिल रही थी। बट अब जो है वो थोड़ा जॉब की थोड़ी क्राइसिस चल रही है, मतलब इतनी भी नहीं है यार, मिल रही है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे मुताबिक चलोगे और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे रिज्यूमे बनाओगे, वैसे अप्लाई करोगे, तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैं आज थोड़ा फ्यूल स्टेशन सेंट्रिक की बात करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है फ्यूल स्टेशन का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और मैंने 1-1.5 महीने पहले बीपी में अप्लाई की, 20-25 एप्लीकेशन थी, तो एक में मेरे को कॉल आया, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सिर्फ बेसिक ही पूछते हैं उनका इंटरव्यू, मतलब आपका अगर रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया ना, मतलब कि आपका क्लियर हो गया। उन्होंने दो जन को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, एक मेरा था और एक किसी और का था। मेरे को एक्सपीरियंस था, तो मेरे को सारा नॉलेज थी कि फ्यूल स्टेशन पे क्या काम करता है, क्या मतलब फ्यूल्स को कैसे मैनेज करना होता है, कस्टमर सर्विस कैसे करनी होती है, फूड वगैरह बनाना होता है, पाइस वगैरह कुक करनी होती है। वो जब आप यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो आई थिंक मैं उस इंटरव्यू में इसलिए सिलेक्ट हो गया और मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी। उनको बंदे की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए ऑब्वियसली उन्होंने डाला था, तो मेरे को इजीली वहाँ पे जॉब मिल गई। और दूसरी बात यह है कि जो जॉब थी, मतलब वो इतनी हार्ड नहीं है फ्यूल स्टेशन की। अवॉर्डिंग पे रेट्स होते हैं 8-8 घंटे की भाई, 8-8, 10-10 घंटे की शिफ्टें होती हैं, 30-32 से कम कोई पे नहीं होता नॉर्मल डेज़ पे, और जो वीकेंड्स पे होता है वो 40 होता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो, 300-320, 350 भी बन जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी 200-240 भी बनते हैं, क्योंकि कभी कभी 6 घंटे की भी शिफ्टें मिलती हैं। वो आपके रोस्टर पे डिपेंड करता है कि आप जैसी अपनी अवेलेबिलिटी दोगे, अगर उनके पास शिफ्टें होंगी, अगर उनके पास 8 घंटे की होंगी वो 8 घंटे की देंगे। क्योंकि मेरे को फर्स्ट मंथ 8-8 घंटे की मिली थी, 3 शिफ्टें, मतलब 24 आवर्स ही दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स को, 24 आवर्स मैक्स दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। और मेरे को उतनी शिफ्टें मिली थी, मतलब 24 आवर्स मिले थे, और अब जो है वो मेरे को 6-6 घंटे, मतलब थोड़ा कम कर दिए हैं उनके पास, शायद स्टाफ और उन्होंने रिक्रूट किया तो शायद इसलिए कम कर दिया। मतलब आप काम अच्छा करोगे तो आपको शिफ्ट दे जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बाद की बात है, पहले आया कि आपको जॉब मिलेगी कैसे। जॉब आपको ऐसे मिलेगी, अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, पहले मैं आपको रिज्यूमे बनाना सिखाता हूँ कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, और दूसरी बात साइट्स बताता हूँ कि कहाँ पर अप्लाई करना है। लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पर अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूमे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो लेट्स जंप ऑन टू माय लैपटॉप स्क्रीन, और मैं आपको वॉइस ओवर से सारा कुछ बताता रहूँगा। अगर आपको रियली जॉब चाहिए तो प्लीज़ सब्र से देखना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करना जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइज़ गैस वॉट, मैं ना यहाँ पे एडिट कर रहा था वीडियो को एडिट कर, मैंने देखा कि वीडियो ज़्यादा कुछ लंबी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ।
एक पार्ट तो जो फ्यूल स्टेशन के रिलेटेड रहेगा वो सारा, एक पार्ट रहेगा रिज्यूमे के रिलेटेड कि रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पार्ट टू का। पार्ट टू चाहिए क्या? पार्ट टू मैं अपलोड ही कर दूंगा, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पार्ट टू भी आप देख लेना, पार्ट वन भी देख लेना, अच्छे से समझ लेना और जॉब अप्लाई करना। दैट्स इट फॉर गाइस। नंबर वन साइट है बीपी की, जहाँ से मेरी जॉब लगी है। बीपी करियर्स आपने लिखना है, करियर्स के होम पेज पे जाना है। यहाँ पे होएगा सर्च एंड अप्लाई ऑप्शन, उस पर क्लिक करके नीचे रिटेल करियर्स, क्योंकि हम सीएसआर इज़ रिटेल कस्टमर सर्विस, ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक कर देना है। और जो भी ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबिलिटी होएगी जॉब्स की, जहाँ पे भी होगी, देखो पर्थ है, ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो उस हिसाब से आप सिटी सर्च कर लेना सर्च बार पे, जॉब सर्च जहाँ पे राइट साइड पे लिखा है, और आपकी आ जाएगी। अब मैं आपको लॉगिन करके अपनी दिखा रहा हूँ कि मैंने कितनी अप्लाई की थी। और ये मेरा होम पेज आ गया जो प्रोफाइल का पेज है। इसमें मैंने कम से कम 8 या 7 8 एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई की थी, जिसमें से एक मेरी सिलेक्ट हुई और एक में से मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया। अभी मैं बता नहीं सकता कौन से में से आया कौन से में से नहीं आया, वो तो डिफरेंट इशू है। बट ये मेरी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हो और अपनी एप्लीकेशन ओपन करके देख सकते हो कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ कोई। मैं बैक जाके आपको अब दिखाता हूँ कि अप्लाई एक्चुअली मैं जॉब में करना कैसे है। वहाँ पे आपको जॉब्स नज़र आ गई जहाँ पे होम पेज पे। मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये होम पेज पे आपने क्लिक करना है किसी भी एप्लीकेशन जो भी आपके एरिया में हुए, नीचे सबसे जाना है अप्लाई नाउ का ऑप्शन होएगा। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपका रिज्यूमे मांगेगा, रिज्यूमे आपने अपलोड करना है और कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे अवेलेबिलिटी कितनी है आपकी, आपके बेसिक क्वेश्चंस है कि आपको वेट वगैरह उठाने में दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, जो भी बेसिक क्वेश्चन है जो भी आपके अकॉर्डिंग होएगा वो आप ऑनेस्टली फिल कर देना। जब आप फिल करोगे तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा कि मतलब आपकी अप्लाई हो गई, आपके मेल पे मेल भी आ जाएगी। तो ऐसे ये अप्लाई करना है बीपी में जहाँ से मेरे को जॉब मिली। अब मैं दूसरी साइड बता रहा हूँ 7-Eleven। 7-Eleven के बेस्ट रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब बेस्ट पे रेट्स होते हैं। उसमें भी आपने सेम लिखना 7-Eleven करियर सर्च अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन है, वहाँ पे भी सेम जैसे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे साउथ ब्रिस्बेन में अगर पार्क रिज में अवेलेबल है, जो मेरे घर के थोड़ा सा पास है, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना, ऑटो फिल विद रिज्यूमे करना है। जब आप ये करोगे आप रिज्यूमे अपलोड करेगा तो आपकी आधी डिटेल रिज्यूमे में से उठा के वो अपलोड कर देगा, जैसे नेम, फ़ोन नंबर वगैरह। और जब आपने एक बारी अप्लाई कर दी तो यूज़ माई लास्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हो, क्योंकि आपका डाटा सेव हो जाएगा वो वाला, आप दोबारा दोबारा एंटर नहीं करना पड़ेगा मैनुअली। तो ये 7-Eleven का है। और ये अगर मैं बैक जाता हूँ तो ये अप्लाई की ऑप्शन आ जाएगी, सिमिलर जॉब्स आपको रिकमेंड करेगी। ये भी सेम प्रोसीजर है, आपको अवेलेबिलिटी वगैरह पूछेंगे, थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। अब नेक्स्ट साइट है एम्पोल की, एम्पोल भी यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन है, उसके भी मतलब पे रेट सारों के सेम ही हैं, ज़्यादातर 7-Eleven के थोड़े बेटर होते हैं। और एम्पोल में भी एम्पोल करियर सर्च करना है, सर्च फॉर जॉब्स, तो प्रोसेस सारा सेम है, सर्च करना और लोकेशन अपनी डाल सकते हो, अपनी प्रोफाइल देख सकते हो कि कितनी एप्लीकेशंस हैं आपकी और कितनी अपनी अप्लाई करनी है। इसमें शायद मेरी 2 ही एप्लीकेशन होंगी, क्योंकि मैंने 7-Eleven और बीपी पे ज़्यादा किया था, एम्पोल पे मैंने सिर्फ कम ही किया था। आई थिंक 2 ही होंगी, लेट्स सी जॉब्स अप्लाइड, हाँ 2 ही हैं। तो ये 2 थी मेरी, दोनों एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल रही थी, आई डोंट नो व्हाई, शायद उनको बंदा नहीं, मतलब उनकी फुलफ़िल हो गई होगी रिक्वायरमेंट। तो ये एम्पोल का है, मतलब सारों का ज़्यादातर प्रोसेस सेम ही है, आपने अप्लाई कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। जो भी आप फ्यूल स्टेशन आपको दिखता है उसको, उसका नाम लिखो, फॉर एग्जांपल आपको 7-Eleven आगे करियर्स लिखो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी जॉब्स की जो भी ओपनिंग होएगी। स्टेशन है कोल्स एक्सप्रेस करके, उसमें भी सेम प्रोसेस है, आपने करियर्स लिख देना और सर्च कर देना। तो भाई मैंने आपको बता दिया क्या करना है कैसे नहीं करना। अगर किसी भी जॉब, किसी की भी जॉब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वैसे लगती है, या कोई भी जॉब आपकी लगती है, ये मतलब मैंने थोड़ा सेंट्रिक वीडियो बनाया है फ्यूल स्टेशन के लिए, बट आप किसी भी जॉब के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने फ्यूल स्टेशन की आपको वेबसाइट दिखाई है। अगर आपको किसी केमार्ट में करना है तो केमार्ट में भी आप ऐसे कर सकते हो, रिज्यूमे उस अकॉर्डिंग बना लेना। मतलब जो भी आपने जॉब करनी है ना उसके अकॉर्डिंग, उसका ही एक्सपीरियंस, उसका ही जो रोल्स हैं या स्किल्स हैं, कस्टमर सर्विस, कैश हैंडलिंग, जो भी अगर आपका, जो भी आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, मेरी आप बात समझ रहे हो ना, आपके जो भी आपको स्किल्स है ना, आप वो अपने रिज्यूमे में डालो, वहाँ पे अप्लाई करो, आपको कॉल आ जाएगा।
कॉल आता है, इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू ज़्यादा मतलब मेरी तो इतनी सिंपल ही हुई थी, आपकी पता नहीं, आप जॉन से भी बीपी में सिंपल होती है, मैं आपको ये बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और किसी की भी जॉब लगती है मेरे को ज़रूर बताना, इंस्टा पे मैसेज करना, यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करना। अगर कोई भी हेल्प होती है तो रिज्यूमे आपने अगर बनाना सीखा है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट डाउन करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा, जॉब्स की ओपनिंग भी डालता रहूँगा। तो आई थिंक जॉब्स के रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जॉब्स आजकल कम मिल रही हैं, लोग ऊबर कर रहे हैं, ऊबर पे पैसे नहीं कर रहे, तो मैं जॉब्स के लिए बनाऊँगा। और ये है जो एथिकल वे है जॉब लेने का। दूसरा है कि रेफरेंस से अगर कोई आपका फ्यूल स्टेशन में लगा हुआ है, देखो जो कंपनी के रिटेल आउटलेट होते हैं ना, वो आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो, और जिसके कोई फ्रेंचाइजी होती है, जैसे यहाँ पे लोगों के पास 7-Eleven की फ्रेंचाइजी है, तो वो आप रेफरेंस से लग सकते हो, या आप जो रिज्यूमे अपना बांट के दे सकते हो। बट जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल यही है प्रोसेस, और मेरी भी ऑफिशियल से ही लगी है, मैंने कोई रेफरेंस नहीं ली और रेफरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आपकी भी अगर मेरी लगी है तो आपकी भी लग सकती है, डिपेंड्स ऑन आपकी किस्मत कैसी है, और मतलब लक में भी थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि 100 रिज्यूमे में से आपका अगर रिज्यूमे एक सेलेक्ट हो रहा है तो आप में कुछ तो होगा ना, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कहीं किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, कम एक्सपीरियंस वाले भी कर रहे हैं, नो एक्सपीरियंस वाले भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरी फ्रेंड की जॉब लगी है। तो ऐसे है कि अप्लाई करते रहो, कभी ना कभी आपको जॉब मिल ही जाएगी। मैंने अप्लाई करना चाहिए, मतलब मेरे को दो मंथ लगे, मतलब 20-25 अप्लाई किया और 2 मंथ के बाद मेरी जॉब लगी। ये सही तो नहीं है, बट मैंने अगर 25 किए हैं तो अगर आप 100 करोगे तो मे बी आपकी जल्दी लग जाए, 150 करोगे तो जल्दी लग जाए। काफ़ी जॉब्स होती हैं, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, अगर यहाँ तक आप बने रहे हो तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल, और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँगा। और थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, that's it for today.